हे व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का आफिक है भाई फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ चुका है। थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो वीडियो बनने वाला उनके लिए बनने वाला जिनका पार्टनर जिनका हस्बैंड है उनकी वाइफ है या फिर उनका बॉयफ्रेंड उनकी गर्लफ्रेंड उनका भाई आप कोई भी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप आप कोई भी रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको सामने वाले की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है, सामने वाला बिना आपकी गलती के आपको इग्नोर कर रहा है, बिना गलती के आपको सजा दी जा रही है, आपको इतना गंदे तरीके से इग्नोर किया जा रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना मेरे दोस्त। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सामने वाला अगर आपको इग्नोर करता है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे वो आपकी वैल्यू समझे, आपको इग्नोर ना करे, या फिर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे सामने वाला आपकी इग्नोर आपकी आपके प्यार को समझे और आपको इग्नोर ना करे। ऐसा तो आप क्या कर सकते हो और सामने वाला आपको इग्नोर क्यों करता है और आप इग्नोर क्यों हो रहे, ये सारी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 90% लोग ऐसे जो वीडियोस को लाइक करें कमेंट्स करें लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ कर लो। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उन्होंने मुझसे कॉल पे बात की है, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने उनको पेड कॉलिंग की डिटेल्स दिए, पेड कॉलिंग के द्वारा उन्होंने मुझसे बात की है और वहाँ से उनका जो प्रॉब्लम है कॉल के द्वारा मैंने उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। अगर आप भी मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं पे टिप्स विथ हरीश सर्च करिए इंस्टाग्राम पे, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप टिप्स विथ हरीश इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज करिए सर मुझे आपसे कॉल पे बात करनी, तो मैं आपको पेड कॉलिंग काफ़ी सस्ता कॉलिंग है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं लेता हूँ, आपको डिटेल्स दे दूँगा, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो की, तो अगर आपको कोई इग्नोर करा तो आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो आपको इग्नोर कर सकता है, समझ रहे हो, कोई ऐसा इंसान है जो आपको इग्नोर कर सकता है, आप खुद है जो आप खुद को इग्नोर कर रहे हो। कैसे देखिए, अगर सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको करना क्या, अगर मान लो मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ एग्जाम्पल, तो आपका क्या रिएक्ट होगा कि यार आप मुझे इग्नोर क्यों करें। जैसे अगर आप मुझे बता दोगे ना कि आप मुझे इग्नोर क्यों करें, आपको पता चलेगा कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, तो मुझे मजे आएंगे, मैं आपको जानबूझ के इग्नोर करूँगा। तो वैसे होता है कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उसको रिएक्ट करवाते हो कि यार मुझे तुम्हारे इग्नोर से फ़र्क पड़ता है, आप कंप्लेन करते हो, झगड़ा करते हो कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, पहले टाइम दे देते, अभी टाइम नहीं देते, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप करते हो। और ये सारी गलतियों की वजह से सामने वाला जानबूझ के ज़्यादा आपको इग्नोर करता है, उसको तो मजे आते ना, आप परेशान होते हो। तो आपको करना क्या, पहली चीज़ नो रिएक्ट, इट इज़ अ बेस्ट है, कोई रिएक्ट नहीं करना है, आपको कंप्लेन नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं करना है। पॉइंट नंबर टू है कि आपको पहले ये जानना होगा कि सामने वाला सही में आपको इग्नोर कर रहा है या फिर सच्ची में वो बिजी है। कभी कभी हो सकता है कोई इंसान बिजी होता है और हमें लगता है वो इग्नोर कर रहा है, तो पहले आपको ये जानना होगा कि सामने वाला सच्ची में आपको इग्नोर कर रहा है या फिर आपकी कोई गलती हुई है, तो गलती हुई तो माफ़ी मांग लो। अगर नहीं हुई और जानबूझ के इग्नोर कर रहा है तो फिर उस इंसान को आपको एक इंसान के एक मैच्योर इंसान की तरह ट्रीट करना है। अगर मान लो जिस तरीके से मान आपको पता है ना टीट फॉर टैट, मैं हर वीडियो में बताता हूँ टीट फॉर टैट करो, जैसे आपको आपके साथ बिहेवियर कर रहा है वैसे उसके साथ बिहेवियर करो, ठीक है। जिस तरीके से अगर वो आपको स्ट्रेट कर रहा है, जिस तरीके से कॉल कर रहा है, पहले करता था ज़्यादा अभी कम कॉल कर रहा है, तो वैसे आप भी करो, आप मत करो सामने से कॉल में से, जितना वो आपको कॉल कर रहा है तो आपको कंप्लेन नहीं करना, झगड़ा नहीं कर रहा है कि अभी तो तुम कम कॉल करते हो, पहले ज़्यादा टाइम देते हो, अभी आप इग्नोर क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, मेरे से गलती क्या, कुछ नहीं, डोंट से कुछ मत बोलो, ओनली फॉर आपको देखना है कि वो कितने दिन तक आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर कोई रिएक्ट नहीं करोगे ना तो सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप अपने लाइन पे आ जाएगी जिस तरीके से पहले बात, क्योंकि उसके अंदर खोने का डर आ जाता है। जैसे आप उसको कुछ मतलब आप कुछ रिएक्ट नहीं देते ना, अगर मान लो इग्नोर कर रहा है, आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो सामने वाला क्या सोचता है, यार इसको मेरी इग्नोर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो तुरंत वो अपने आप आपके पास आना जरूरी समझता है। क्यों, क्योंकि उसको खोने का डर आ जाता है, अगर मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ फर्क नहीं पड़ रहा तो किसी और के पास चला जाएगा या फिर किसी और के पास चली जाएगी, इसीलिए सामने वाला अपने आप आपके पास आ जाता है। कब, जब आप उसको कुछ रिएक्ट नहीं करवाओगे, मतलब आपको कुछ दिखाना ही नहीं कि उसके इग्नोर से आपको फ़र्क पड़ता है, ऐसा दिखाना है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे इग्नोर से। पॉइंट नंबर थ्री, आपको करना क्या है कि आपको उसके लिए कम अवेलेबल रहना है। कैसे, जैसे मान लो पहले क्या होता था, आप उसके लिए ज़्यादा अवेलेबल रहे इसीलिए उसने आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया। कोई भी इंसान को कोई चीज़ ज़्यादा मिलती ना तो वो इंसान उस चीज़ को भाव नहीं देता, उसको हटाता अपने लाइफ से। वैसे आप उसके लाइफ में ज़्यादा घुस रहे या फिर आपने उसके लिए ज़्यादा अवेलेबल हो गए, ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके, इसीलिए वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक। तो आपको करना है क्या, उसके लाइफ से धीरे धीरे थोड़ा मतलब दिखाना नहीं है, ऐसा करना है आपको उसको बोल के नहीं दिखाना है, करके दिखाना है। कैसे, अगर आप उसके लिए ज़्यादा अवेलेबल रहते, पहले अगर आपको मैसेज करा तो आपको अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो मैसेज पे तुरंत क्लिक करके रिप्लाई मत करो, वेट करो एक घंटा दो घंटे के बाद रिप्लाई करो, काम में बिजी हो जाओ, घर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एनी टाइम उसके लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो। जितना आप अवेलेबल रहोगे उतनी आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, उतनी आपकी वैल्यू नहीं होगी और आप इग्नोर होते रहोगे, तो एनी टाइम अवेलेबल रहना बंद करो। अगले पॉइंट की मैं बात करूंगा, आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, आपका जो एटीट्यूड है वो सामने वालों को अट्रैक्ट कर सकता है। मान लो अगर सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है तो आप, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना जो वीडियोज़ देख रहे सभी ऐसा ही करते होंगे,
अरे यार तुम तो इग्नोर कर रहे यार, तुम तो बात ही नहीं करते यार, पहले ऐसा तो हो क्या गया, प्लीज़ मेरी गलती तो बता दो यार, मैंने क्या कर दिया यार, ऐसा तो क्या कर दिया, सारी चीज़ें आप करते हो और इन सारी चीज़ों से सामने वाला इरीटेट होता है और मज़े लेता है। वो तो चाहता है जानबूझ के आपको, वो क्या बताएगा यार मैं तो इग्नोर नहीं करता, मैं तो बिजी रहता हूँ, लेकिन वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको करना है क्या कि कंप्लेन ही नहीं करना है, कुछ नहीं ऐसा दिखाना नहीं कि आपको पता चल गया कि वो इग्नोर कर रहा है, मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए मुझे इग्नोर कर रहा है मुझे पता ही नहीं। फिर वो सामने से आपको बोलेगा कि यार मैं ऐसा हूँ मैं बिजी हूँ, तो हाँ कोई बात नहीं, अगर आप बिजी हो कोई दिक्कत नहीं बाद में कॉल करो। इस तरीके से मैच्योरिटी लेवल आपका एटीट्यूड ये सामने वालों को अट्रैक्ट करता है, जिस तरीके से आपका एटीट्यूड होगा उस तरीके से सामने वाला आपको बिहेव करेगा आपके साथ, उस तरीके से आपको ट्रीट करेगा, जिस तरीके से आप मैच्योरिटी दिखाते उस तरीके से आपको सामने वाला ट्रीट करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार नहीं अगर वो इग्नोर करेगा मैं भी इग्नोर करूँगा तो छोड़ के चला जाएगा, नहीं यार कोई हलवा नहीं है प्यार है वो भी प्यार करता है, ऐसे कैसे छोड़ने देगा, ऐसे कैसे भूल नहीं जाएगा, अगर सच्चा प्यार होगा तो कभी नहीं जाएगा, और जो कैरेक्टर लेस होगा वही जाएगा, और अच्छा ना कैरेक्टर लेस लोग आपकी दुनिया आपकी लाइफ से चले जाए वो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको पता भी चल जाएगा ना कि आपका पार्टनर कैरेक्टर लेस या नहीं। तो करना क्या है कि कोई भी इग्नोर करे कोई भी इंसान, सिर्फ और सिर्फ कोई रिएक्ट नहीं करना है, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है, कोई रिएक्ट मत करो, सामने वाला अपने आप आपकी वैल्यू करना जरूरी समझेगा, आपको टाइम देना जरूरी समझेगा और आपको इग्नोर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी कि कोई रिएक्ट नहीं करना है सामने वालों को, जिस तरीके से वो आपके साथ बियर करा उस तरीके से उसके साथ बियर करो, टीट फॉर टैट जैसे को तैसा दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हुई, अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो टिप्स विथ हरीश, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टिप्स विथ हरीश आप सर्च कर सकते हैं। आपको मुझे पर्सनली कॉल करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कॉलिंग के लिए मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कॉलिंग की डिटेल्स दे दूंगा, पेड कॉलिंग काफ़ी सस्ते कॉलिंग्स होते, कोई पैसा नहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड है मेरे से बात करके, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया और सेटिस्फाइड स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप जिन्होंने मुझसे कॉल पे बात की, काफ़ी सेटिस्फाइड है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।